आइए आज बनाते हैं दालचीनी और शहद की चाय। अगर आपको असली शहद और असली दालचीनी मिल जाए तो ये एक अमृत है। इसको पीने के फायदे ही फायदे हैं। 2 कप चाय के लिए सिलोन सिनेमन की स्टिक में से 3-4 लेयर ले सकते हैं। मेनली मार्केट में 2 तरह की दालचीनी मिलती है, केसिया और सिलोन सिनेमन। सिलोन को ही लोग असली दालचीनी मानते हैं। ये केसिया के मुकाबले काफ़ी सॉफ्ट होती है। इसकी पहचान भी बहुत आसान है। इसकी स्टिक्स में मल्टीपल रिंग्स होती हैं, वहीं केसिया में सिंगल रिंग होती है। अगर आप सिलोन की जगह केसिया का रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको फ़ायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि केसिया में कॉमरिन लेवल 5% होता है, जबकि सिलोन में ये महज 0.004% होता है। कॉमरिन आपके लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स के कारण आपको पेट व सर में दर्द भी हो सकता है। 2 कप के हिसाब से पानी डाल लेते हैं। इसको लगभग 10 मिनट के लिए उबलने देते हैं। अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ये चाय हमारे डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम की सेहत के लिए रामबाण है। सिलोन सिनेमन और असली शहद की चाय के फायदे अनेक हैं। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके हमारे दिल को स्वस्थ रखती है। ये इम्यूनिटी बूस्ट करती है। ये स्किन हेल्थ का ध्यान रखती है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करती है। ये वजन कम करने के लिए बेहतरीन फार्मूला है। हड्डियों के लिए भी फायदेमंद है। मुंह की दुर्गंध को दूर करती है। गले के दर्द और सर्दी जुखाम में असरदार है। ब्लैडर हेल्थ और पेट दर्द में फायदेमंद है। एंटीऑक्सीडेंट गुण होने के कारण ये कैंसर होने से भी बचा सकती है। अब तैयार काढ़े को कप में डाल लेते हैं और इसमें मिलाते हैं हनी। टाइट लीड कैप को खोलने के लिए इस पर थोड़ा गर्म पानी डाल लें, जिससे मेटल कैप थोड़ा एक्सपेंड हो जाएगा और आसानी से खुल जाएगा। लगभग 1 टीस्पून हनी मिलाकर इसको अच्छे से मिला लीजिए। लीजिए, तैयार हो गई आपकी सुपर हेल्दी दालचीनी और शहद की चाय। यकीन मानिए, इसका टेस्ट भी बेहतरीन है। एंजॉय।